नगर पंचायत कांपिल जो एक ऐतिहासिक नगरी है, जहां पर द्रौपदी का विवाह भी इसी नगरी में संपन्न हुआ था। यह राजा द्रौपदी की राजधानी हुआ करती थी। यहां पर आज भी द्रौपदी कुंड बना हुआ है। इसमें पानी कहां से आता है ये कोई वैज्ञानिक नहीं खोज पा रहा है। यह क्षेत्र विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पंचायत में विकास कार्य 5 साल में बहुत हुए, लेकिन अभी भी विकास कार्य बाकी है। लेकिन सपा ने अपने पुराने ही चेयरमैन पर दावा लगाया है। जब उनके विकास कार्यों को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने कितना विकास कराया है ये तो जनता ही बता पाएगी। जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने ये कहा कि विकास तो कराया, साथ ही साथ उन्होंने बहुत से काम भी नहीं कराए हैं। फिर भी पहले से वर्तमान में काफी सुधारीकरण हुआ है, लेकिन जो स्थान महाभारत काल से चला आ रहा है वह उपेक्षा का शिकार क्यों बना हुआ है? यदि यहाँ पर इसी प्रकार से विकास कार्यकार इसको सैलानियों के लिए बहुत ही सुंदर जगह बनाई जा सकती है। दूसरी तरफ जैन धर्म के 10वें गुरु का विशाल मंदिर भी है। यहाँ पर विदेशों से बहुत से लोग आते हैं, लेकिन कोई भी सरकारी बस स्टॉप नहीं है, ना ही लड़कियों के लिए कोई कॉलेज है, जिस कारण बहुत से लोग अशिक्षित हैं। हमारे 5 साल के विकासचार क्या है, मैं समझता हूँ ये हमसे बेहतर हमारे यहाँ की महान जनता बताएगी आप लोगों को। और मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरे नगर का भ्रमण करें और लोगों से जानकारी करें कि हमने 5 साल में क्या किया है। रही बात जो टीस रह गई है, काम की ललक जो रह गई है, या हमारे जो दिल में था किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया है, उनमें से मुख्यतः यहाँ हमारी बहन बेटियों के लिए कोई अलग से कॉलेज नहीं है, उसकी स्थापना करना था। यहाँ रोडवेज का जो हमारी तीर्थ नगरी है कांपिल पर्यटन दृष्टि से, यहाँ रोडवेज का एक डिपो होना चाहिए था, जो कि हम प्रयासरत थे और शासन को फाइल भेजी गई थी, वो भी अभी कराना है। यहाँ से रोडवेज की बसों का डिपो होगा तो यहाँ से कहीं भी आप सफ़र कर सकते हैं, कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, यहाँ से कहीं जा सकते हैं। कैसी व्यवस्था करना चाहते थे जो कि अभी हमारे प्रोजेक्ट में पूरा नहीं हो पाया है, अधूरा पड़ा है। और शिक्षा का स्तर वास्तव में यहाँ बहुत गिरावट की स्थिति में है। हम चाहते हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र का बहुत अच्छा शिक्षा स्तर बढ़े, इसलिए हम आसपास भी पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रयासरत थे और शासन में हमारी माननीय मुख्यमंत्री से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि समय आने पर हम आपको जल्दी ये सौगात देंगे। कैसा हुआ है यहाँ विकास का? अभी सही नहीं हुआ है। चेयरमैन ने बहुत सी सड़कें बनवाई हैं, जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर पाए हैं।